इस वीडियो में मैं एक फैन क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मयंक कुमार ने फेसबुक के बारे में एक सवाल पूछा है। वो चाहते हैं कि उनके खुद के पोस्ट किए हुए फोटो कोई भी ना देख पाए। ये कैसे होगा? आइए समझ लेते हैं। देखिए, जब आप फेसबुक में कुछ पोस्ट करते हैं तो आप अपनी प्राइवेसी की सेटिंग्स चुन सकते हैं। आप उस पोस्ट को पब्लिक या सार्वजनिक रख सकते हैं जिससे कि कोई भी उसे देख पाए। आप उसे ऐसे पोस्ट कर सकते हैं जिससे सिर्फ आप ही देख सकें, या फिर आप उसे कुछ खास या सिलेक्ट लोगों के साथ ही शेयर कर सकते हैं। पहले हम पीसी से फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर लेते हैं और प्राइवेसी सेटिंग्स का प्रयोग करना सीख लेते हैं। ये मेरा फेसबुक खुला हुआ है, अब हम यहाँ पर कुछ पोस्ट कर लेते हैं। चलिए, ये यहाँ पर है ऐड फोटोज एंड वीडियो, तो मैं इधर क्लिक कर लेती हूँ। अब यहाँ से कोई पिक्चर चुन लेती हूँ, जैसे कि ये एक पिक्चर है। इधर क्लिक किया, ये फोटो अब अपलोड हो रही है। और अब पोस्ट पर क्लिक करने से पहले आप इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। आप इधर क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक डब्बा सा खुल जाता है। आप यहाँ पर इस फोटो को पब्लिक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी अभी बताया, इससे कोई भी इसे देख पाएगा। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपके फेसबुक फ्रेंड्स होने चाहिए, आपके फेसबुक कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, या फिर आप ओनली मी पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओनली मी पर क्लिक करते हैं तो ये वाली फोटो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, हालांकि ये आपकी टाइमलाइन पर पोस्टेड होगी। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और पोस्ट के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए, ये फोटो पोस्ट हो गई। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये एक ताला सा बना हुआ है और ये ओनली मी के लिए है, यानी कि ये वाली फोटो सिर्फ आप देख सकते हैं। अब हम फोन से कुछ फेसबुक की ऐप से पोस्ट कर लेते हैं और प्राइवेसी सेटिंग्स का इस्तेमाल सीख लेते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 यूज करने वाली हूँ, जो एक एंड्रॉयड फोन है। और ये देखिए, ये मेरी टाइमलाइन खुल गई। अब मैं फोटो पर क्लिक कर लेती हूँ और कोई फोटो चुन लेती हूँ। ये आईफिल टावर की एक फोटो है, चलिए मैं इसे चुन लेती हूँ। और आप चाहें तो आप एक से अधिक फोटो भी चुन सकते हैं, जैसे कि ये या ये। अब ये आप पर निर्भर है कि आपको कितनी फोटोज अपलोड करनी है। मैं इसे डीसेलेक्ट कर लेती हूँ, फिलहाल मैं एक ही फोटो अपलोड करने वाली हूँ। और बस डन के बटन पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए, बाय डिफॉल्ट अपने आप से ये फ्रेंड्स जो है यहाँ पर चुना हुआ है। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्राइवेसी सेटिंग बदल सकते हैं। यहाँ पर आप ओनली मी चुन लीजिए और अब ये फोटो सिर्फ आप ही को दिखाई देगी। अब हम वापस जाते हैं। ये देखिए, ये फोटो जो है ये ओनली मी, अब इसकी सेटिंग हो गई। अभी ये फोटो पोस्ट नहीं हुई है। जब तक आप पोस्ट के बटन पर क्लिक नहीं करते, तब तक फोटो पोस्ट नहीं होगी। तो चलिए हम यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, ये जो फोटो है ये आ गई। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर भी ये बंद ताला है, जिसका मतलब है कि केवल आप ही इसे देख सकते हैं। ये रहा मेरा फेसबुक अकाउंट। आप किसी भी समय पर इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल ये ओनली मी है। अगर आप इधर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर और भी लोग चुन सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई ग्रुप है, जैसे कि ये रहे मेरे क्लोज फ्रेंड्स, तो मैं इधर भी क्लिक कर सकती हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी फोटोज होती हैं जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते और हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया भर के लोग उसे देखें। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने कोई ग्रुप बना कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप है या फैमिली, तो आप उनके साथ ये वाली फोटो शेयर कर सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लोज फ्रेंड्स पर क्लिक किया, ये देखिए अब ये बोल रहा है ओके दिस इज नाउ सेट टू क्लोज फ्रेंड्स। तो ये जो हमारी प्राइवेसी सेटिंग है
पहले ओनली मी थी और अब ये बाय डिफॉल्ट अपने आप से क्लोज फ्रेंड्स पर सेट हो गई। आप यहाँ पर चुन सकते हैं कि आपकी सेटिंग क्या हो। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार आपका क्लोज फ्रेंड्स का ही सेटिंग रहे तो आप चेंज टू क्लोज फ्रेंड्स पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग जो है पुरानी वाली हो यानी कि ओनली मी, तो आप नो थैंक्स पर क्लिक कर दीजिए। आप जब आप अगली बार आएंगे तो आपको यहाँ पर आपकी पुरानी वाली सेटिंग ही दिखेगी। आप चाहें तो आप प्राइवेसी की सेटिंग्स अपनी सेटिंग्स में से भी बदल सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए ये ड्रॉप डाउन एरो है, इधर क्लिक किया, अब एक डब्बा सा खुल गया। यहाँ पर नीचे है सेटिंग्स, सेटिंग्स पर क्लिक किया और यहाँ पर आपकी फेसबुक की सेटिंग्स खुल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सिक्योरिटी के नीचे है प्राइवेसी, इधर क्लिक किया और यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी की सेटिंग्स एक ही बार में सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है हु कैन सी माई स्टाफ, फिलहाल ये कस्टम है, ये हमने अभी अभी यहाँ पर डाला था। आप चाहें तो आप इसे यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। ये एडिट के बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर वो बोल रहा है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट्स, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपके भविष्य के पोस्ट कौन देखे। ये देखिए यहाँ पर है फिलहाल कस्टम, हम इधर क्लिक कर लेते हैं और अब हम अपनी डिफॉल्ट सेटिंग को जो है फ्रेंड्स रख लेते हैं। इससे ये होगा कि जब भी हम पोस्ट करने को आएंगे तो अपने आप से पहले फ्रेंड्स डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो आप इसे पोस्ट करते समय भी बदल सकते हैं और बस इसे हम क्लोज कर देते हैं। जाने से पहले दो बातें बताना ज़रूरी हैं। पहली बात, अगर आपने अपनी फ़ोटो या पोस्ट को कुछ ही लोगों के साथ शेयर किया है जैसे कि अपने परिवार के साथ, तो अगली बार जब आप पोस्ट करने जाएंगे तो आपकी प्राइवेसी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट वही होगी जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, अगर आप किसी फ़ोटो को या पोस्ट को ख़ास लोगों से हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं जैसे कि अपने कॉलीग्स या फिर अपने बॉस से, तो फिर आप ये कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं ये कैसे होता है। चलिए यहाँ पर मैं कोई फ़ोटो चुन लेती हूँ, ये मैंने ऐड फोटोज एंड वीडियो पर क्लिक किया और मैं ये एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये फ़ोटो अपलोड हो गई और अब जैसे हमने देखा था पिछली बार ये बाय डिफ़ॉल्ट ओनली मी है। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप इस डब्बे पर ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर ओनली मी के नीचे ये कस्टम पर क्लिक करते हैं, ये देखिए हम कस्टम पर क्लिक करते हैं तो एक डब्बा सा खुल जाता है। अब एक डब्बा सा खुल गया और यहाँ पर आप अपनी कस्टम प्राइवेसी सेटिंग चुन सकते हैं। तो ये वाली फ़ोटो आप कुछ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और कुछ लोगों से छुपा भी सकते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं शेयर विद और ये जो है फैमिली आ गया। तो ये जो फोटो है ये हमारी फैमिली या हमारे परिवार के साथ शेयर हो जाएगी। ये ग्रुप मैं पहले से फेसबुक पर बना चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई ख़ास लोग जिन्हें ये वाली फ़ोटो ना दिखाई दे तो आप उनका नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर एक नाम टाइप कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने एक नाम टाइप कर लिया तो वो बोल रहा है एनी वन यू इंक्लूड हियर और हैव ऑन योर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट वोंट बी एबल टू सी दिस पोस्ट अनलेस यू टैग देम। इसका मतलब अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें कि आपने अपनी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट पर डाला है तो वो ये पोस्ट नहीं देख पाएंगे। तो आप इस नाम को यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए ये जो फोटो है यहाँ पर आ गई और इसकी सेटिंग कस्टम हो गई। अब हम पोस्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये जो फोटो है अब हमारे सिलेक्टेड लोगों को पोस्ट हो गई। तो अब ये हमारी फैमिली को दिखेगी, जिन लोगों को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है उन्हें नहीं दिखेगी और जो नाम हमने टाइप किया है उन्हें भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपके पास प्राइवेसी की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप एक एक करके लोगों को ऐड कर सकते हैं या एक एक करके अपनी फोटोज को लोगों से छुपा भी सकते हैं।
बहुत ही आसान है, आप कुछ ही सेकंड्स में अपने पीसी या मोबाइल से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स का उपयोग करके अपनी फोटोज को अपने साथ या अपने मनपसंद लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक के टॉपिक पर क्या कैसे के कई वीडियो पहले से हैं। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।